हेलो गाइस, वंस अगेन बैक। तो आज 13 मार्च 2023 साल का दूसरा वीडियो है। तो कल एक वीडियो लॉन्च किया था, जो अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ। समझ में आए तो ठीक है। तो 1.5 साल से मैंने वीडियो नहीं बना रहा था। वो जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा, उसमें कुछ वही पर्सनल इश्यूज की वजह से मैं काम नहीं कर रहा था। तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि वो वीडियो रीच होगा। सोचा था कि 1 या 2 व्यूज आएगा, लेकिन उसमें 5-10 व्यूज और एक कमेंट आया। तो 100 में से 1% वो ऑटोमेटिक रीच हो गया। तो ये सबके लिए, जो भी वीडियो स्टार्ट करना चाहते हो या फिर बीच में बंद किया हो, यार उम्मीद मत हारो। मैंने भी 1.5 साल से पता नहीं क्या हो गया था कि छोड़ दिया था। तो फोकस करो, कंटिन्यू करो, ग्रोथ हो जाएगा। और जो बहुत लोग जो बकचोदी करते रहते हैं ना कि भाई ये क्या कर रहा है, बैठा है, टाइम पास कर रहा है, टाइम बर्बाद कर रहा है, सुनो मत। और बाकी एक रहता है जुगाड़, सेटिंग, शेयर करो या फैमिली वाले को बोलो कि भाई आप देखो, या फ्रेंड्स को बोलो। इन सबसे कुछ होने वाला है नहीं। जेन्यून तरीके से अगर ग्रोथ हो रहा है, अगर आपके जो सब्सक्राइबर है या जो भी वीडियोस देखते हैं, वो ऑटोमेटिकली वो रीच पहुंचेगा। कोई जुगाड़ करने का जरूरत नहीं है। बस अपना टॉपिक पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, फोकस करो, अपने आप ग्रोथ हो जाएगा। ये एक छोटा सा सब कहना चाहता हूँ सबके लिए, जो भी स्टार्ट करना चाहते हो या फिर जिसने बीच में बंद कर दिया, उन सबके लिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ हो चुका है। अब मैं सीधा टॉपिक पे आ रहा हूँ। आज का मेरा जो मेन टॉपिक है, गल्फ में, बहरीन में हो या कोई भी गल्फ कंट्री में, इंडिया हो या फिर कोई भी अलग आजू बाजू पड़ोस में जो भी कंट्रीज है, एशिया का जो भी कंट्रीज हो, किसी को भी गल्फ में आने के लिए क्या प्रोसेस है। घूमने के लिए तो आओगे नहीं। 100 में से 20% लोग वही है जो घूमने फिरने या बिजनेस पर्पस के लिए आते हैं। बाकी मुझे 70 to 80% तो बेरोजगारी की वजह से ही लोग आते हैं। जॉब के लिए मेन पर्पस होता है जॉब। तो टॉपिक सीधा वही, आना कैसे है और आने से पहले क्या करना चाहिए, एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है। बहुत लोग आके 2-3 महीने में अपनी मरवा के चले जाते हैं कि भाई मैं तो आ गया, क्या करूं क्या करूं। मैंने बहुत एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ, बहुत लोगों को देखा है जो कुछ भी नहीं पता, बस मुंह उठा के आ जाते हैं। उनको प्रोसेस नहीं पता, रीजन मजबूरी है। मैं भी मजबूरी से घूम फिर के यहाँ तक पहुंचा हूँ, सीधी बात समझ सकता हूँ। लेकिन अभी का टाइम नहीं है पहले जैसा। पहले अलग था, अभी का सिचुएशन अलग है। अभी बहुत ईजी है आने के लिए, बहुत है। खुद मेहनत कर सकते हो। गूगल वन नाम का सर्च करो, उसमें लिखो क्या है आने का प्रोसेस, हजारों नोटिफिकेशंस, नोट सब खुल जाएगा। फर्क इतना है कि कोई उसको प्रोसेस या फॉलो करता नहीं है। तो आने के लिए क्या है, बेसिक में बता रहा हूँ, कुछ नहीं यार। 10वीं पास भी हो ना, हाथ में पासपोर्ट भी है, तो भी बंदा आ सकता है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जॉब के लिए आ सकते हैं। एज क्रिटेरिया 18 साल है। हेल्पर के लिए या फिर नॉर्मल जॉब वगैरह के लिए 18 साल मिनिमम इनफ है। फिर भी एडवाइस कह रहा हूँ, एटलीस्ट 12वीं पास करो। उसका रीजन है कि 12वीं पास करने के बाद जो भी आपको जॉब में आगे, मैं आगे एक वीडियोस बनाता रहूंगा तो और डीपली समझ में आ जाएगा इसका रीजन क्या है। लेकिन आने से पहले एटलीस्ट 12वीं पास कर लो। पासपोर्ट में तो ऑप्शन रहता है, ECR, non-ECR, मतलब 12वीं मतलब अच्छा क्वालिफिकेशन है, 10 मतलब अंडर क्वालिफिकेशन है। वो इमिग्रेशन में भी इशू होता है बाद में, इसीलिए एटलीस्ट 12वीं पास करना चाहिए। UAE हो, बहरीन हो, कतर हो, सऊदी हो, कुवैत हो, और मोस्टली यही 2-3 कंट्रीज ज्यादातर लोग टारगेटिंग करते हैं जॉब पर्पज के लिए आने के लिए। तो आने के लिए एटलीस्ट 12वीं पास करो, और कुछ नहीं चाहिए। सेकेंड पॉइंट, स्किल्स, अलग कुछ भी काम आना चाहिए। स्पेशली ड्राइविंग आएगा तो आप लाइफ टाइम आपका सेटलमेंट है। कोई भी कंट्री में हो, गल्फ छोड़ो, यूरोप में भी जाओगे ना, अगर ड्राइवर ही आता है ना तो काम मिल जाएगा। स्पेशली मैं 2 बाइक्स की बात कर रहा हूँ, 4 व्हीलर के लिए मैं अलग आगे बताऊंगा वीडियो में। वो यहाँ आने के बाद आपको लाइसेंस तो चाहिए, बिना लाइसेंस का तो कर नहीं पाओगे। लेकिन एटलीस्ट बाइक चलाना आता है ना, डिलीवरी का बॉय का भी काम करोगे तो पैसा कमा लोगे। ठीक है, कोई भी कंट्री में किधर भी जाने के लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। एक ऐसा जॉब है कि कितना भी क्राइसिस आने दो, काम कभी खत्म नहीं होगा, काम कभी बंद नहीं होगा, लाइफ टाइम ही चलता रहेगा। और तीसरा मेन है कम्युनिकेशन। एटलीस्ट यार इंग्लिश में हाई हेलो भी बोलना भी सीख लोगे ना तो काफी है।
ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि वो धीरे प्रोफेशनली आगे बढ़ सके, आगे ग्रोथ कर सके, एक ही जॉब को लेके बैठ ना जाए। एटलीस्ट आप किधर इंटरव्यू करने भी जाओगे ना, कम्युनिकेशन में थोड़ा इंग्लिश, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, पता है भाई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, गांव से कोई नया बाया साला निकलता है उसको कुछ मालूम नहीं है, लेकिन थोड़ा अभी हाय हेलो बोलना अगर आता है तो भाई बेस्ट है। ठीक है, एक तो 12वीं पास, एक आपका ये स्किल्स और एक आपका ये कम्युनिकेशन। ड्राइविंग है सीख लिया तू बाइकिंग का, तो ठीक है भाई आराम से हो जाएगा, कोई भी जॉब मिल जाएगा। फोर व्हीलर का मैं इसीलिए बात में बनाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर रोड का फर्क है, इंडिया में रोड अलग साइड है, यहाँ पर दूसरी साइड है, यहाँ का रूल्स रेगुलेशन अलग है। जो नया आएगा अगर वो यहीं से सीख लेगा तो उसके लिए अच्छा है, लाइसेंस भी मिल जाएगा, खर्चा है एक्सपेंसिव है वो तो ऐसे भी आगे करना पड़ेगा, उसका मैं बाद में फिर कभी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी इतना नॉर्मली समझा रहा हूँ, वीडियो मुझे ज़्यादा लंबा नहीं खींचना नहीं तो ज़्यादा बकचोदी हो जाएगा। तो ये तीन चीज़ भाई कर लो, ठीक है, और उसके बाद आपको अगर कुछ भी कारीगरी आता हो, अगर कंप्यूटर का भी काम है ना, एक्सेल भी आता हो ना, मेलिंग करना भी आता हो ना, काफ़ी है यार एक्सपीरियंस में, उसको भी डाल सकते हो। उस स्क्रू ड्राइवर में से अगर स्क्रू निकालना भी आ गया ना, तो एटलीस्ट कोई भी कारपेंटर के हेल्पर में भी घुस जाओगे। ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो एकदम फ्रेशर, एकदम नल्ले, जो बस अभी इसी तरह मुंह उठा के लोग रहता है ना कि भाई मुझे जाना है, फॉरेन जाना है, अब्रॉड जाना है, काम करना है, आने का तरीका क्या है भाई, यही है। पहले गूगल में सर्च मारो, अपने आप को थोड़ा सुधारो, रिज्यूम सीवी क्या होता है पहले वो कर लो। बहुत मैंने देखा यार कुछ पता नहीं होता, डायरेक्ट आ जाते किसी के कहने पे, पैसा चुका के बाद में 2-3 महीने घूम फिर के चले जाते, पता ही नहीं करना क्या है, आगे क्या है प्रोसेस कुछ नहीं पता। आगे मैं बहुत वीडियोस बनाऊंगा, जितना भी लाइफ का एक्सपीरियंस है सब शेयर करूंगा, क्या क्या होता है लाइफ में, क्या क्या आगे करना चाहिए, लेकिन बेसिक यही है, एटलीस्ट 12वीं पास, थोड़ा ड्राइविंग हो या फिर किसी भी कोई भी काम का स्किल। आप यार हेल्पर की जॉब में भी आओगे ना, झाड़ू भी मारोगे ना, 15-20 हज़ार महीने का आराम से मिल जाता है कोई भी गल्फ कंट्री में। थोड़ा कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा रहता है, साला 25-30 हज़ार भी ओवर टाइम के साथ भी दे देगा, मिलता है। आगे धीरे धीरे प्रोसेस बताऊंगा, तो उसको अब बस खाली फॉलो करते रहो और कुछ नहीं है। ज़्यादा इतना सर पे लेने का हुआ नहीं है कि भाई कैसे जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे काम नहीं आता। सीखो थोड़ा बहुत काम, एक्सपीरियंस ले लो, और यहाँ आने के बाद किसी का भी हेल्पर करो भी, वेल्डर का हो, इलेक्ट्रिशियन का हो, प्लम्बर, कारपेंट्री, अरे वो शेफ का यार असिस्टेंट कुक भी बन जाओगे ना तो बाद में उसका भी अच्छा तगड़ा सैलरी मिलता है। बस काम करना आना चाहिए, कम्युनिकेशन इसीलिए बोल रहा हूँ कि हाय हेलो बोलते बोलते आगे निकल जाओगे, थोड़ा वो मस्का मस्का पॉलिश करते भी काम हो जाएगा। लैंग्वेज कम्युनिकेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी अपने मेहनत के ऊपर है। अब मैं नेक्स्ट जो वीडियोस बनाऊंगा कि भाई कैसे कैसे लोग यहाँ पर आते हैं, क्या है उनका एग्जैक्ट जो प्रोसेस रहता है ना, वीज़ा के थ्रू, एजेंट के थ्रू, और जो बेचारा ठग के आ जाते हैं, जो पैसा बर्बाद करते थे, और एक जो होता है मैनेजमेंट प्रोसेस, पहले क्या होता था और अब क्या होता है, कैसे आ सकते हो कोई भी गल्फ कंट्री में, कितना खर्चा होता है और कितना मिनिमम फ्री में भी आने का चांसेस है, लेकिन आराम से धीरे धीरे बनाऊंगा, अभी के लिए बस इतना ही है। तो गल्फ में आपको एटलीस्ट आने के लिए भाई ये 12वीं कर लो, ठीक है, अगर आपके पास डिप्लोमा है, डिग्री है तो बहुत है, थोड़ा बहुत कुछ भी काम सीख लो तो इधर आके घूमना ना पड़े, कोई जॉब के लिए ढूंढना ना पड़े, कुछ भी काम कर सकते हो। हेल्पर में घुस जाओगे 3-6 महीने में बन जाओगे, कुछ ना कुछ कारीगर बन जाओगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद दूसरा ट्राई करो, सीधा बोलोगे भाई मैं अभी ये मुझे वेल्डिंग आता है, मुझे इलेक्ट्रिशियन हूँ, मुझे ये आता है, मुझे सुपरवाइजिंग आता है, कुछ भी करो हो जाएगा, नहीं होता तो दूसरा चेंज करो, बस वही है। तो भाई अब समझ में आया तो ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है आज का वीडियो, और धीरे धीरे ग्रोथ होगा और इन्फॉर्मेशन बताऊंगा क्या करना है कैसे करना है, अभी के लिए इतना काफ़ी है। सो दोस्तों बाय, टेक केयर।